दिनभर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचार पर। हनुमानगढ़ में नहीं अब तक कोरोना मरीज, प्रेस वार्ता कर कलेक्टर एसपी ने दी व्यवस्थाओं की जानकारी। जिला कलेक्टर के आह्वान पर जरूरतमंदों को भोजन करवाने में आ गए सामाजिक संस्थाएं ताकि कोई भूखा न सोए। होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटर में रखे जा रहे लोग कोरोना संदिग्ध नहीं, पीएमओ ने दी जानकारी। दिल्ली और हरियाणा से आए दो कोरोना संदिग्धों को किया अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। बीकानेर में जो 3 सैंपल पाए गए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार व्यवस्थाएं बनाने में जुटा हुआ है। हालांकि अभी तक जिले में कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने प्रेस वार्ता कर हनुमानगढ़ में की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक नियमों को लागू करने के लिए जिला प्रशासन लगा हुआ है। बाजार को पूर्णतः बंद करवाया गया है, केवल राशन और मेडिकल की दुकानों को खुला रखा गया है। इसके अलावा सरस बूथ भी खुले हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि लोग अपने घरों में रहें, बेवजह घर से बाहर न निकलें और न ही अनावश्यक रूप से भीड़ को इकट्ठा होने दें। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर हनुमानगढ़ जिले में की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। कलेक्टर का कहना था कि फिलहाल हनुमानगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, लेकिन जरूरी है सतर्कता बनाए रखना। अन्य जिलों के हालात को देखते हुए उन्होंने आमजन से सतर्क रहने की अपील भी की। कलेक्टर का कहना था कि यह समय निश्चिंत होने का नहीं बल्कि सजग बने रहकर लॉकडाउन के नियमों की पालना करने का है। जिला प्रशासन की ओर से सब्जी फल आदि तरह की सुविधाएं आमजन तक पहुंचाने के लिए वार्डवाइज व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलकर बाजार तक न आना पड़े। इसके अलावा एहतियात के तौर पर आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसके बारे में रोजाना ब्रीफिंग का हमें निर्देश है। इसी के तहत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आप सबको हम लोग रूबरू हुए हैं, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जिले में कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संतुष्ट होकर बैठ जाएं। अपने को जो सावधानियाँ बरतनी हैं वो सावधानियाँ पूरी तरह से बरतें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें और सरकार के जो निर्देश हैं कि होम आइसोलेशन किया गया है, जो लॉकडाउन किया गया है, उस लॉकडाउन का पूरी तरह से हम पालन करें, जिससे बीमारी से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचा के रख सकें। जिस तरह से सभी देशों में, प्रदेशों में और अपने राजस्थान में भी विभिन्न जिलों में इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसके लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो जो सरकार के निर्देश हैं और भारत सरकार ने भी जो लॉकडाउन किया है उसका हम पूरी तरह से पालन करें और सभी जो सावधानियां बरतनी हैं उनको बरतें। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो सब आपको हमने विस्तार से बताई हैं, और आम जन को किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो वो आप लोग हमें बताएं। और मैं सभी शहरवासियों से आग्रह करूँगा कि पूरी तरह से नियमों का पालन करें, नहीं तो सरकार को विवश होकर कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी राशि डोगरा का कहना था कि पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से व्यवस्थाएं बनाने में जुटा है, आमजन का सहयोग जरूरी है। एसपी का कहना था कि लॉकडाउन की पालना नहीं करने पर पुलिस सख्ती अपनाएगी। देखिए, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जो जो भी आदेश भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से आ रहे हैं उसकी पालना में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन एक साथ होकर ये इंश्योर करा रहा है कि कोई भी ज़रूरत की चीज़ों की डिलीवरी, होम डिलीवरी हो, इनको बाधा ना आए और जनता को भी कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो और पुलिस अपने नियमों से काम करे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन में कोई भूखा ना सोए, इसको लेकर कलेक्टर जाकिर हुसैन द्वारा सामाजिक संगठनों से जरूरतमंदों को भोजन करवाने का आह्वान किया तो जिले भर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं न केवल आगे आई बल्कि प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से गरीब, स्ट्रीट वेंडर्स, मजदूरों समेत अन्य जरूरतमंद लोगों को दो वक्त का भोजन डोर टू डोर उपलब्ध करवा रही है। वार्ड पार्षद इस कार्य में उनका सहयोग कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन में कोई भूखा ना सोए, इसको लेकर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन द्वारा सामाजिक संगठनों से जरूरतमंदों को भोजन करवाने का आह्वान किया तो जिले भर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं न केवल आगे आईं बल्कि प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से गरीब, स्ट्रीट वेंडर्स, मजदूरों समेत अन्य जरूरतमंद लोगों को दो वक्त का भोजन डोर टू डोर उपलब्ध करवा रही हैं। वार्ड पार्षद इस कार्य में उनका सहयोग कर रहे हैं।
जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले भर में प्रतिदिन करीब 15,000 पैकेट्स का वितरण किया जा रहा है। लगातार सामाजिक संस्थाओं की ओर से फोन आ रहे हैं कि वे जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध करवाना चाहते हैं। जिला कलेक्टर ने सामाजिक संस्थाओं की ओर से की जा रही इस तरह की निस्वार्थ सेवा को लेकर आभार जताते हुए कहा कि सामाजिक संस्थाओं ने जिस तरह आगे आकर नेकी का कार्य कर रही हैं, वे अत्यंत प्रशंसनीय हैं। कलेक्टर के निर्देश पर जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोड़ेला और उनकी पूरी टीम जरूरतमंदों को दो वक्त का खाना उपलब्ध करवाने की व्यवस्था संभाल रही है। वहीं पंजाबी सभा के अध्यक्ष सादर सिंह खोसा हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन में इसको लेकर समन्वय का कार्य कर रहे हैं। डीएसओ सुनील कुमार घोड़ेला और पंजाबी सभा के सादर सिंह खोसा ने बताया कि खाने में प्रतिदिन नेकी की रसोई की ओर से 700 फूड पैकेट्स वार्ड पार्षदों को जरूरतमंदों को बांटने के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें वार्ड 13 में परविंदर कौर, 15 से नगीना बाई, 50 से रंजीत कौर, 54 से सुनील अम्बलानी, 55 में सिंगाराम इत्यादि को दिए जाते हैं। इसी प्रकार बालाजी ट्रस्ट प्रतिदिन 300 पैकेट पार्षदों को देता है, जिसमें वार्ड 2 में संजय कुमार, वार्ड 3 में मोहनलाल, वार्ड 4 में स्वर्ण सिंह, वार्ड 5 से अब्दुल हाफिज और वार्ड 6 से श्रीमती विजय लक्ष्मी को जरूरतमंदों को भोजन देने के लिए पैकेट दिए जाते हैं। वहीं बाबा बालकनाथ 300 फूड पैकेट कलेक्ट्रेट, जंक्शन सब्जी मंडी, इंडस्ट्रियल एरिया, शिव मंदिर के पीछे, आईटीआई बस्ती, जिला अस्पताल में बांटते हैं। इसके अलावा गुरुद्वारा सिंह सभा बाबा दीप सिंह, गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर संयुक्त रूप से 1500 फूड पैकेट्स का वितरण विभिन्न पार्षदों को किया जाता है, जिनमें वार्ड 56 के पार्षद विकास को 300 पैकेट, वार्ड 57 के पार्षद राजेंद्र कुमार को 400 पैकेट, 100 पैकेट वार्ड नंबर 14 के पार्षद सुमित रणवा को, वार्ड 58 के पार्षद रमजान को 200 पैकेट और वार्ड नंबर 9 आईटीआई बस्ती में 500 पैकेट का वितरण गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा किया जा रहा है। सुबह करीबन 3000 फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, उतने ही करीब 3000 फूड पैकेट्स की व्यवस्था गुरुद्वारा सिंह सभा बाबा दीप सिंह, तेग बहादुर और सुरेशिया गुरुद्वारे के जरिए संयुक्त रूप से प्रतिदिन किया जाकर वार्ड पार्षदों में दिए जा रहे हैं और पार्षद अपने इलाके में जरूरतमंदों को बांट रहे हैं। शाम के समय नेकी की रसोई, बालाजी रसोई, बालकनाथ की ओर से व्यवस्था की जाती है। शाम को सारी व्यवस्था चारों गुरुद्वारों की रहती है। इसके अलावा वार्ड नंबर 12 के अंदर भट्टा कॉलोनी में पार्षद तरुण विजय द्वारा 5-5 किलो आटा 300 घरों में वितरित किया गया। इसके साथ ही आईटीआई बस्ती, सुरेशिया और कुंजा में 16 क्विंटल आटा भटनेर किंग्स क्लब की ओर से बांटा गया है। डीएसओ सुनील कुमार घोड़ेला और पंजाबी सभा के सादा सिंह खोसा ने बताया कि टाउन में जरूरतमंदों को खाने के पैकेट उपलब्ध करवाने को लेकर जो व्यवस्था की गई है, उसमें गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह की ओर से सुबह शाम 12-12 से लोगों के खाना डोर टू डोर वितरण, टाउन रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती, सरकारी अस्पताल, बिहारी बस्ती, शोरगर मोहल्ला, सिगलीगर मोहल्ला और धान मंडी में किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने आदेश किया है कि घर से बाहर ना निकलो। मैंने जैसे हमारे सभापति जी है, उन्होंने रसोई का काम, जैसे उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई वहाँ जो चला रखी है, वहाँ से खाना ला करके मेरे मोहल्ले के अंदर मैं बांट रही हूँ। परंतु जनता की एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है, जैसे कहते हैं भाई हमारे घर में आटा हो, अनाज हो, चीनी हो, चावल हो, सिलेंडर हो, दूध हो, हर समस्या हल होनी चाहिए हमारी। अगर हम घर से बाहर नहीं जाएंगे तो हम कमा के कहाँ से लाएंगे। तो ये मैं तो कहती हूँ और प्रशासन को भी कहती हूँ भाई, सरकार को करना चाहिए गरीबों के लिए, जो भी सुविधा है इनके लिए करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, जो गरीब कोई भूख ना मरे। ऐसी बीमारी है, बीमारी के अंदर बाहर नहीं निकलना है परंतु भूख भी नहीं मरना है, ये मैं कहती हूँ। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास है मेरा भाई, मेरे वार्ड के अंदर जनता, वार्ड के शहर के अंदर भी कोई जनता बीमार भी ना हो, हमारे बीमारी आए भी ना और कोई भूख भी ना मरे। यहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से होम आइसोलेशन क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि जो लोग होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं, उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। जो लोग बाहर के किसी जिले, राज्य या विदेश से आए हैं और उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए जाते, उन्हें एहतियात के तौर पर होम आइसोलेशन में रखा जाता है और घर के बाहर होम आइसोलेशन की पर्ची चिपकाकर उसे घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी जाती है।
साथ ही उसकी निगरानी के लिए कार्मिक भी लगाए जाते हैं। अगर वो बाहर निकल जाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया जाता है। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में उन लोगों को रखा जा रहा है जो इन जिलों या राज्यों या विदेश से आ रहे हैं जहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल हनुमानगढ़ जिले में मात्र 4 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। जम्मू कश्मीर से आए इन 4 लोगों को पहले होम आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन ये 4 ही घर से बाहर निकलते रहे, लिहाजा जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए इन्हें जंक्शन के किसान भवन में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवा दिया। पीएमओ ने बताया कि इनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। इन्होंने होम आइसोलेशन के नियमों को तोड़ा, इसलिए इन्हें यहां लाया गया है। इनके परिजन परेशान न हुए। जिला अस्पताल में भर्ती किए गए 3 कोरोना संदिग्ध की गुरुवार को नेगेटिव रिपोर्ट आने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली, जबकि 2 की रिपोर्ट शुक्रवार देर शाम तक आना बताया जा रहा था। गुरुवार को दिल्ली और हरियाणा से आए 1 कोरोना संदिग्ध को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि अब तक जिला अस्पताल में कुल 14 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है, जिनमें से 12 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। गुरुवार को 2 लोगों के सैंपल लेकर उन्हें बीकानेर भेजा गया। शुक्रवार देर शाम तक उनकी रिपोर्ट आना बताया जा रहा था। सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया ने बताया कि जिले में चिकित्सा विभाग कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए पूरी तरह चाक चौबंद है। चिकित्सा विभाग की गुरुवार की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में आशा और एएनएम के कुल 610 ने गुरुवार को सर्वे किया। अब तक 1,44,344 घरों में रह रहे 5,26,234 लोगों का सर्वे कर लिया गया है, जिनमें से 19,030 सामान्य खांसी जुकाम के रोगी पाए गए हैं, जिनका उपचार भी कर दिया गया है। इसके अलावा जिले में कुल 246 लोगों को होम आइसोलेशन, 4 व्यक्तियों को जंक्शन के किसान भवन में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर और 2 लोगों को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया हुआ है। कोरोना के संक्रमण के बीच जरूरी है जरूरतमंद परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था। ऐसे में जंक्शन थाना व नेकी की रसोई के सहयोग से गरीब झुकी झोंपड़ी के रहने वाले बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया गया। दूध के साथ नमकीन की व्यवस्था की गई। सीआई धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि लोग जहां दूध गर्म करने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें दूध गर्म करवा कर दिया गया है। हम गश्त करते रहते हैं पूरे दिन, तो जो ये झुग्गी झोंपड़ी और कच्ची बस्तियों में जो रहते हैं, तो कल हम लोग यहाँ पूछने आए थे खाने के लिए, तो उन लोगों ने कहा छोटे बच्चे हैं, उनके दूध की व्यवस्था नहीं है। तो आज इसी बात को लेके हमने जंक्शन थाना और नेकी की रसोई दोनों ने मिलके और जो भी रोड पर रह रहे हैं, जो झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, उनके बच्चों को दूध का वितरण किया है। जहाँ गर्म करने की व्यवस्था नहीं है, गर्म दूध दिया और जो गर्म कर सकते हैं उनको हमने खेली। कोरोना पर भूख भारी। जी हाँ, कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले भूख से मर जाएंगे। यह कहना है घरों में बंद फेरी लगाने वाले, घरों में काम करने वाले महिला और मजदूर वर्ग के लोगों का। दरअसल यह हाल है हनुमानगढ़ की कच्ची बस्तियों का। भूख के दर्द के कारण उनकी आंखें भर आई और प्रशासन से सहयोग की अपील की गई। रोजाना दिहाड़ी मजदूरी कर गुजर बसर करने वालों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। जितना घर में राशन पैसा था वह सब खर्च हो चुका और कहीं काम भी नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि काम कर भी नहीं सकते। इस बीच प्रशासन की पहल की जा रही है, कई तरह की योजनाएं बताई गई हैं, लेकिन वो उन लोगों तक नहीं पहुंच रही। समाजसेवी संस्थाओं का सहयोग भी उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में कुछ लोग भूख से परेशान हैं और प्रशासन से सहयोग की गुहार लगा रहे हैं। अब वह करें तो क्या करें। हनुमानगढ़ की कुछ कच्ची बस्तियों में यही हाल हो रहा है। लोग अब धीरे धीरे भूख के कारण बोलने भी लग गए हैं और सड़कों पर आ रहे हैं। यह हाल है जंक्शन की भट्टा बस्ती का, जिसमें एक महिला का पति काम की तलाश में पंजाब गया हुआ है। लॉकडाउन के कारण पंजाब में कर्फ्यू लगा है और वह वहीं फंस गए हैं। ऐसे में घर में जो राशन था वह खत्म हो गया। एक दिन लोग खाना लेकर घर तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद कोई खाना देने भी नहीं आया। अब यह महिला बिना राशन के घर में परेशान है।
मेरे सुनाई नहीं करते कोई, मैंने फोन किया दो तीन बार, क्या क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, मेरा आदमी मानसा मंडी गया हुआ है, वो वहाँ जाकर फंस गया है, ठीक है, और मेरे बच्चे को जाके कहाँ भीख मांगू, घर से बाहर नहीं निकलने देते, राशन वाले राशन नहीं देते मेरे को, ठीक है, तू कहाँ से देगी, काम करने जाती थी, काम वालों ने मेरे को छुट्टी दे दी, तो मैं ले आकर उनका बच्चों को पेट भर सक, और मेरे से बच्चों को बर्दाश्त भूख देखी नहीं जाती, कुछ भी नहीं दिया, दो डब्बे आए कल रोटी, उसके अंदर चार चार पूड़ी थी, हमने दो दो पूड़ी खा के और सारा कोई नहीं, आपने पार्सल से किसी से बात करी? हाँ, बात की थी, मैं गई भी थी बीजी तरह कर एक थैली दी थी आटे की मेरी, उससे क्या बनता है, ठीक है। रात में गिन्ना बाई ने कल 2 बजे दो दो डब्बे रोटी के दिए, ठीक है, उसे क्या चार चार पूड़ी से हमारे बच्चों को पेट भरते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं कहाँ जाऊँ बच्चों ने, मेरे से तो भूख बर्दाश्त देखी नहीं जाती बच्चों की। और ऐसे ही हालात शहर में कई और लोगों के भी हैं, जिन तक सामाजिक संस्थाओं या प्रशासन की पहुंच नहीं हो पा रही। समस्या जी, खाना पीना को नहीं साढ़े को, साधन खाना पीना मिलना चाहिए, कल एक डब्बा हैगा सी, एक डब्बे ना पेट भरिया जाएगा, दो दो चार दिन जिन है करते। समस्या ये आ रही है, घर में खाना नहीं है, और जो काम पे जाती थी कोठी में, उन्होंने भी हमारे को हटा दी कोठी में से, अब कहाँ जाए हम, बच्चे भूख मर रहे हैं घर में बैठे, हाँ कोई नहीं, 2 रुपया जो हम ले आके किसी पर मांग के खा ले, हम किसके घर जाकर मांगे, घरों में काम करते हो क्या? घरों में काम करती है, घरों कोठी वाले ने हमारे को हटा दी, अब किसके घर पर जाके काम करें, किसके घर पर जाके खाएं रोटी हम, आज बताओ। 10 रुपए का बेचते, 20 रुपए का ताजा लिया के ताजा ही खाते हैं, हमारे पास खाने का राशन पानी कुछ भी नहीं है। ये आपके घर पे राशन मिलेगा, घर पे बैठे हैं, जो घर पे 400-500 रुपए थे वो हमने लगा दिए, अब कहाँ से लाएं, छोटे बच्चे हैं ये, अब कहाँ जाए, किराए पे रह रहे हैं, इधर किराए वाला मकान किराया मांगता, कहाँ से दें, अब कहाँ जाएं बताओ। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बॉलीवुड वाटर टैंक। पॉलीवर्ल्ड अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता है, इसलिए यही वजह है कि पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक 100% वर्जिन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी है, इसलिए बेहद हाइजीनिक है, आप इसमें पीने का पानी भी स्टोर कर सकते हैं। साधारण वाटर टैंक्स की तरह पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक में बदबू नहीं आती, इसकी वजह है इसका ये मजबूत थ्रेडेड ढक्कन। इसका ये जो मेन होल है ये बड़ा है, इसलिए फिटिंग करने के लिए इसके अंदर उतरने में आसानी होती है, इसकी लेयर मोटी होने की वजह से ये ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसमें उतरने में डर नहीं लगता, और इसकी बिना लिटाए ही फिटिंग कर सकते हैं। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपने फ्रेश कलर के वजह से दिखती कितनी खूबसूरत है, घर के खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपनाओ, चिंता मुक्त हो जाओ। श्री गुरु नानक देव सेवा क्लब द्वारा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए गुरुवार को गाँव रामसरा में घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर कोरोना जैसी भयंकर महामारी से बचने के लिए घरों में रहने और हर 20 मिनट में एक बार हाथ धोने की अपील, जरूरतमंद परिवारों को राशन का वितरण किया गया। सेवादार हरदीप सिंह ने बताया कि देशवासियों की सुरक्षा में उठाए गए लॉकडाउन कदम की सराहना की गई और आमजन से इस लॉकडाउन को सफल बनाने की अपील भी की गई। सब लोगों को पता ही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि जो पूरे विश्व में ये कोरोना वायरस की जो बीमारी चली हुई है, ये महामारी जो चली हुई है, इसके एवज में हमारे गुरु नानक देव सेवा क्लब द्वारा एक अभियान चलाया, मानो से सेवा भावना की तरफ से हमने हर घर के अंदर जैसे आटा, दाल, साबुन और मिर्च मसाला और नहाने वाली साबुन, डेटॉल और सैनिटाइजर, ये प्रत्येक चीज़ें जो भी घर में रोजमर्रा में जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो हम सब उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे हम इकट्ठा ना होने वाले के लिए हमने खास ध्यान रखा हुआ है कि हमारे जो सेवादार है वो मतलब हर घर के अंदर जाके सिर्फ 2 या 3 बंदे जाके उनको उपलब्ध करो, उनके घर पे जाके दे के आएंगे। और हमने एक कमरा घोषित कर दिया, उसका नाम लिखा है बाबा नानक दी हट। और जो भी रोजमर्रा की चीज़ काम आने वाली चीज़ है, जो बेचारे दिहाड़ीदार लोग हैं, जो काम करने वाले लोग, और वो घर पे बैठ के उन लोगों के लिए काम चालू कराया हुआ है।
योग शक्ति की मिसाल अद्भुत और विश्वसनीय व्यक्तित्व की धनी 104 वर्षीय राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी जी नहीं रही। उन्होंने 27 मार्च की सुबह 2 बजे माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी के देवलोक गमन से भारत सहित विश्व भर में शोक की लहर छा गई। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी देवलोक गमन हो गईं। शुक्रवार दोपहर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दादी जी के प्रति संस्थान के देश विदेश के 8500 सेवा केंद्र पर योग साधना जारी है। 46,000 ब्रह्म कुमारी बहनों के अलौकिक माँ और 12,00,000 भाई बहनों की प्रेरणा पुंज दादी का देवलोक गमन से ये सब लोग शोकाकुल हैं। ब्रह्म कुमारी के मैनेजिंग ट्रस्टी और मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बी के करुणा से मिली जानकारी के मुताबिक आदरणीय दादी जी जानकी 91 वर्ष की उम्र में वर्ष 2007 में संस्थान की मुखिया नियुक्त की गई थी। दादी जी के कुशल मार्गदर्शन में दुनिया भर के 140 देशों में फैले प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 8500 से अधिक सेवा केंद्रों का संचालन किया जा रहा था। दादी जी की अथक मेहनत त्याग तपस्या के चलते भारतीय पुरातन संस्कृति अध्यात्म और राजयोग मेडिटेशन का संदेश उन्होंने अकेले विश्व के 100 देशों से अधिक देशों तक पहुंचाया। बीके करुणा भाई ने बताया कि दादी जी मात्र 4थी कक्षा तक पढ़ी थी, साथ ही 46,000 ब्रह्म कुमारी बहनों के अलौकिक माँ होने के साथ साथ संस्थान से जुड़े 12,00,000 से अधिक नियमित विद्यार्थियों की प्रेरणा पुंज भी थी। उम्र के इस पड़ाव पर भी वे 12 घंटे जनसेवा में सक्रिय रहती थी। ध्यान साधना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। विश्व की सबसे स्थिर मन की महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दादी जी के नाम रहा। अमेरिका के टेक्सास मेडिकल एंड साइंस इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण के बाद दादी जी को मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड वुमेन से नवाजा गया था। उन्होंने योग से अपने मन को इतना संयमित, पवित्र और शुद्ध सकारात्मक बना लिया था कि वह जिस समय चाहे जिस विचार या संकल्प पर जितनी देर चाहे स्थिर रह सकती थी। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी ने अपना पुराना देह का त्याग किया। आपने देश विदेश के लाखों आत्माओं को परम पिता परमात्मा का संदेश दिया और लाखों लोगों की शांतिपूर्वक स्नेहपूर्वक सेवाएं की। आज हम सभी ऐसी आदरणीय स्नेही मूर्त दादी जी को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दादी जानकी जिन्होंने सारे विश्व के कोने कोने में परम पिता परमात्मा शिव का संदेश दिया और हम सभी को यही बात पक्का करवा रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं, आपस में बहुत प्रेम से रहना है, किसी को भी दुख दर्द नहीं देना है। दादी जी हमेशा 3 बातें कहती थी, ओम शांति मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति मैं शांति धाम की निवासी हूँ, ओम शांति मैं मास्टर सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ, ओम शांति। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते ही समाचार। नमस्कार।